हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह फिर से स्वागत करी हूँ आप सबको अपने ही चैनल पे। तो आज मैं फिर एक नए रेसिपी के साथ, बहुत ही इंटरेस्टेड रेसिपी के साथ आई हूँ। आज का रेसिपी है आलू का चिप्स। और देखिए, हमारे गांव में मेरी मम्मी किस तरह से बनाती है आलू का चिप्स, एकदम से ट्रेडिशनल तरीके से। तो आज हम लोग बनाएंगे आलू का चिप्स। और आप लोग को पता है कि अभी मौसम कर रहा है चिप्स बनाने का, तो अभी बहुत ही अच्छे से चिप्स बन जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आलू का चिप्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और किस तरह से एकदम आसान, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग आलू का चिप्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया है आलू, मीडियम साइज के आलू हैं। और आप लोग देखे होंगे कि मेरे खेत में आलू निकला हुआ था खेत से, तो सारे आलू हमारे खेत का ही है और सब मीडियम साइज के आलू हैं। तो ये देखिए, सारे आलूओं को हमने छील लिया है, मीन्स उसका छिलका उतार लिया है। और इतने सारे आलू लिए हैं, लगभग 10-12 केजी आलू होंगे। तो चलिए अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आलू का चिप्स बनाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो ये देखिए, ये है चिप्स काटने वाला बर्तन, और इस बर्तन से हम लोग आलू का चिप्स काटेंगे इस तरह से। ये देखिए, मैं आप लोगों को काट के दिखा रही हूँ। ये चिप्स का बर्तन कोई भी बर्तन के दुकान पर आसानी से मिल जाता है। और ये देखिए, इस बर्तन में कितने आसानी से चिप्स काटा जा रहा है, और मैं आप लोगों को पास से भी दिखाऊंगी। और बाल्टी में मैंने पानी लिया है, पानी इसलिए मैंने लिया है बाल्टी में क्योंकि आलू को हम लोग कट करेंगे तो पानी में नहीं डालेंगे तो वो काला पड़ जाएगा, इसलिए पानी में डालेंगे ताकि वो काला ना पड़े। और ये देखिए, इस तरह से निकला है चिप्स। तो चलिए मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ कि कैसे बर्तन से कट के चिप्स और पानी में गिर रहा है एक एक, और एकदम पतला पतला कट रहा है। ये देखिए, सारे चिप्स पानी में गिर रहे हैं, और पानी में ये रहेंगे तो ब्लैक नहीं होंगे। अगर हम लोग पानी के बाहर रख देंगे तो थोड़ी देर बाद ये ब्लैक होने लगते हैं, इससे इसका कलर ख़राब हो जाएगा और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और आप सबको पता है, जो चीज़ हमें देखने में अच्छी नहीं लगती वो हमें खाने का भी मन नहीं करता है। तो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आलू ब्लैक नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे पानी में ही कट करके डालें। और ये जो चिप्स काटने का साँचा है, ये बहुत ही यूजफुल और कंफर्टेबल होता है। इससे चिप्स एकदम आसानी से काटा जा सकता है। तो ये देखिए, सारे चिप्स को हम लोग इसी तरह से काटेंगे, आलू सारे इस साँचे से काटेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, चिप्स हमारा कट रहा है, तब तक हम लोग दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें पानी डाल दिया है गर्म होने के लिए, पानी उबलने के लिए। ये देखिए, हमारा पानी गर्म हो रहा है। तो इसमें अभी हम लोग डालेंगे नमक, क्योंकि चिप्स में नमक भी चाहिए, उसका नमक का भी टेस्ट आना चाहिए, इसलिए नमक डाल रहे हैं। और अब थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डालेंगे, खाने का सोडा जो होता है वो, ताकि चिप्स जो है वो फूले फूले हो। और ये देखिए, चूल्हे में आग जल रहा है, तो कढ़ाई में हमारा पानी उबल रहा है। और इतने सारे चिप्स मैंने काट लिए हैं, ये देखिए गोल गोल कितने प्यारे लग रहे हैं चिप्स। और अभी और सारी काटने हैं, आलू को मैंने छील कर धोकर रखा है। तो अभी इतना सा उबालते हैं हम लोग कढ़ाई में। चलिए, बाल्टी से बाहर मैंने निकाल दिया है। तो पानी हमारा उबल चुका है, और अब मेरी मम्मी इसमें डाल रही है जो चिप्स मैंने काट के रखे थे उसे। इसे 5 मिनट उबालेंगे, बस 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और सारे पापड़ जो हमारे हैं चिप्स वो टूट जाएंगे, इसलिए बस 5 मिनट ही उबालेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे चिप्स उबल चुके हैं, मीन्स एकदम परफेक्ट उबले हैं, ना ही ज़्यादा कच्चा है और ना ही ज़्यादा उबला है। तो अब हम इसे, एक ये सूप है, इसमें निकाल लेंगे ताकि पानी जो है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। ये सूप जो होता है, इससे पानी निकल जाते हैं बाहर, तो इसीलिए हम लोगों ने ये सूप में रखा है ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकल जाए और हमारा चिप्स गीला ना हो। तो यही है प्रोसीजर, मम्मी इसी तरह से बनाती है, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अभी मौसम भी चल रहा है, सब लोग चिप्स बना रहे हैं। तो अगर किसी को नहीं आती होगी तो उसे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी,
और ये हमारे यहाँ एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनता है। आप लोग देख रहे हैं मिट्टी के चूल्हे पे बन रहा है। मम्मी इसी तरह से हर साल बनाती है चिप्स एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। और ये देखिए हमारा चिप्स निकल चुका है। चलिए अब इसे सूखने के लिए एक एक करके अलग अलग डालेंगे इस कपड़े पे। ज़मीन को हमने धो लिया है, लेकिन ज़मीन पे हम लोग इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि ज़मीन पे थोड़ा बहुत मिट्टी धूल होते हैं जो इसमें चिपक जाएंगे और वो हानिकारक होगा हमारे शरीर के लिए। तो इसलिए कपड़े से एक धोया हुआ कपड़ा ले लेंगे और इसी पे इस तरह से अलग अलग करके एक एक करके डालेंगे सूखने के लिए धूप में। और अभी बहुत सारा चिप्स बन रहा है, तब तक हम लोग उसे बनाने की तैयारी करते हैं और इसे इसी तरह सूखने के लिए डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इतने सारे चिप्स बनाए हैं हमने और सबको एक एक करके एकदम से अलग अलग सूखने के लिए डाल दिया है। ये ध्यान रहे कि इकट्ठे ना डालें सूखने के लिए, नहीं तो वो सूखेंगे नहीं और चिप्स अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए एकदम से अलग अलग करके एक एक चिप्स को अलग अलग डालें सूखने के लिए। तो इस तरह से हमने इतना सारा चिप्स बनाया है और सारे को अलग अलग डाल दिया है सूखने के लिए। और धूप बहुत तेज कर रहा है आजकल, तो सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक दिन में ही सूख जाएगा। तो शाम को हम लोग आएंगे देखने जब ये सूख जाएगा अच्छी तरह से। तो चलिए अब हम लोग शाम में देखने आएंगे सूखने के बाद। तो फ्रेंड्स ये देखिए शाम हो चुकी है और हमारा चिप्स सूख कर रेडी हो चुका है। मम्मी ने इसे दूसरे कपड़े पर डाल दिया है ताकि ये पीछे वाले जो इसका पार्ट है वो भी अच्छी तरह से सूख जाए। और अभी थोड़ा थोड़ा धूप है, शाम के 4 बज रहे हैं, तो 1 घंटे और इसे हम लोग सूखने देंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। और सारे चिप्स हमारे सूख कर बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। ये देखिए सूख के एकदम से परफेक्ट सूखे हैं, धूप बहुत तेज किया था इसलिए। तो चलिए अब हम लोग इसे बना कर भी दिखाएंगे कि किस तरह से चिप्स हमारा बनकर रेडी हुआ है। और आप लोगों के साथ मैंने ये फुल प्रोसेसर शेयर किया है अपनी मम्मी के द्वारा बनाया हुआ ये चिप्स। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये तरीका। तो चलिए हम लोग अभी इसे तलते हैं। ये देखिए कढ़ाई में हमने रिफाइन ऑयल डाल दिया है और रिफाइन ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम लोग डाल रहे हैं चिप्स। ये देखिए चिप्स डालते हैं किस तरह से एकदम फूले फूले हुए बन रहे हैं, एकदम परफेक्ट चिप्स बने हैं हमारे। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए ये इतना टेस्टी टेस्टी यमी यमी चिप्स। इसे जब भी चाहे आप घर पे बना के खा सकते हैं और इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, साल भर 2 साल जितना दिन आप लोग स्टोर करना चाहें रख सकते हैं इसे। और डेली इसी तरह से थोड़ा थोड़ा तल के खा सकते हैं। हम लोग तो इसे तल के इसी तरह खाते हैं दाल चावल पे, या फिर कभी कभी छोटी छोटी भूख लगती है शाम में या फिर दोपहर में तो भी हम लोग तल के खाते हैं। तो आप लोग भी इस प्रोसीजर को अपना के इस तरह से चिप्स बना सकते हैं और इस तरह से चिप्स का एंजॉय कर सकते हैं। मार्केट की बनी हुई चिप्स आप लोग ना खाएं प्लीज, क्योंकि वो पैकेट बंद होती है और उससे हमारे बॉडी को बहुत ही हार्म होती है। तो प्लीज़ आप लोग मार्केट की चिप्स ना खाया करें, पैकेट वाली बंद चिप्स ना खाया करें। इसी तरह से अपने घर पे बना लिया करें और साल 2 साल जब तक चाहें स्टोर करके रखें और इसी तरह से जब भी मन करे थोड़ा थोड़ा तल के खा लें। तो ये देखिए इतने सारे चिप्स हमने तले हैं और हमारे पूरे फैमिली खाएंगे आज चिप्स, क्योंकि आज ही हम लोगों ने चिप्स बनाया है और चिप्स हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आई होप कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद होगा क्योंकि मुझे लगता है चिप्स सबको पसंद आते हैं। तो हमारा चिप्स बनकर रेडी हो चुका है ये देखिए। तो ये देखिए एक प्लेट में मैंने चिप्स को निकाला है और हमारे पास अभी है MDH चंकी चाट मसाला। तो आप चाहे तो चाट मसाला मिला के इसे खा सकते हैं या फिर आप सादा भी इसे खा सकते हैं। अभी मैं इसमें चाट मसाला मिला के खाऊंगी क्योंकि मुझे चाट मसाला का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाला चाट मसाला हम लोग यूज करते हैं घर में, कुछ भी चाट बनाना होता है तो इसी तरह से इसे छेट के हम लोग खाते हैं। तो आप लोग भी चाहे तो इस तरह से चाट मसाला डाल के खा सकते हैं या फिर आप लोग इसे सिंपल भी खा सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो खा सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें इसे थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए तो मसाला भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये है हमारा परफेक्ट चिप्स जो बनकर रेडी हो चुका है। आइए आप लोग भी खाइए और खूब इंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को ये ट्रेडिशनल तरीके से बनाई हुई चिप्स की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा।
और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और भी रेसिपी देखने के लिए। और मैं ब्लॉग भी शेयर करती हूँ, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ देखिएगा। और मिलूँगी फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ या फिर रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।